अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को एक प्याली चाय विद रूहान के शो में खुशामदीद। तो गाइस, आज के हमारे शो के बेहतरीन गेस्ट है जो कि हैदराबाद के मशहूर और मारूफ एक बॉडी बिल्डर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है और बहुत टाइम से यूट्यूबर भी रहे हैं और माशाल्लाह आज भी है, जिसका नाम है वन एंड ओनली वरंगल डायरीज के रेहान बुखार भाई। भाई शुक्रिया भाई, आप इतनी तारीफ करें। वालेकुम अस्सलाम। और रेहान भाई कैसे? अल्लाह का एहसान है रेहान भाई, आप बोला कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है रेहान भाई, पहली मुलाकात है अपनी। हाँ, पहली बार मिले। बेशक बेशक, बात हुई फोन पे, बात हुई पर अब तक नहीं मिले थे, फर्स्ट टाइम बात भी अपनी बहुत नॉन फेस बनने के बाद भी पहली बार भी ये महीने में। और माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई रेहान भाई जब आपसे बात करा, आप एक अलग अंदाज में बात करे, जो इज्जत दिया माशाल्लाह, मैं एक्सपेक्ट नहीं करा क्योंकि बहुत मैं गोवा में था, गोवा में थे, सोरम था भी, सब बाजू थे शायद, सब मेरे बाजू थे भाई। बोला मैं सुबह गुरान पे फोन करे सा इंटरव्यू देना है। जी जी जी, थैंक यू भाई, बिल्कुल वेलकम हूं। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई भाई आप आए हमारे शो पे और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत दिया, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आमीन भाई, आमीन। और मैं तो भाई, सबका साइज क्या है भाई आपका? भाई नहीं मापा भाई, आप बोलो, आप कितना था बोलो। हो सकता है वो 17 रहेगा। चलो तुम बोल दो 17 है भाई, मैं मतलब मेरा तो 14 है ना, तो 17 है। आपका 14 है? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहे हो आप, जा रहे हो आप जिम को? नहीं नहीं भाई, नहीं जा रहा अभी, मतलब रोके हुआ हूं, ये शूट्स के वजह से नहीं चल रहा अपना वर्कआउट। कर लेना रोहन भाई, भाई आप कुछ तो भी टिप्स दिए तो ना चले जाते भाई, आप बड़े भाई है भाई, छोटे भाई आप वरंगल के? बेसिक, हाँ बेसिकली वरंगल से, रिश्तेदार आए हुए हैदराबाद में बहुत है, नानियाल की तरफ के, दादियाल की तरफ के, पूरे यहीं से वरंगल में अम्मी लोग आए। जहाँ ज्यादा रहना दिल बोलता हूँ, वहाँ ज्यादा रहना दिल बोलता हूँ, जहाँ पे अम्मी है वहाँ पे भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ पे मतलब जिस दिन माँ का खाना नहीं मिला था उस दिन माँ का खाना, देखो यहाँ पे अगर आ गए अपन, माँ का खाना दिल बोला तो खमर बोल के दोस्त थे, उनके अम्मी भी जाए थे, सेम अम्मी बनाए, सेम बनाते। हाँ मतलब दोस्तों में बेहतरीन बॉन्ड है आपका? बॉन्ड तो अच्छा है, सबसे अच्छा है, मैं किसी भी लड़ लेता हूँ, नहीं फिर मेरे नाम पे तो फिर मुझे छोड़ तो मिले। डरना नहीं है भाई, सिवाय अल्लाह से किससे भी डरना नहीं है। बेशक। और आप बोले भी थे आप पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं आप, मगर ईशा छुड़ गई भी हमारी, अच्छा पढ़ ले सकते हैं अपन ना, अभी भी ऐसा कुछ नहीं, अकेले जाने मास भी है भाई, फजर फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहान भाई जी, भाई पब्लिक को ये बताइए, हमारे व्यूअर्स को, कि आपकी पैदाइश कहाँ से है, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है और आप कहाँ तक पढ़े? मैं वरंगल में पैदा हुआ भाई, वंश पढ़ा, वंश बड़ा हुआ, वंश जिम करा, वंश बॉडी बनाया, वंश यूट्यूबर बना, हर चीज वरंगल में। पर हैदराबाद से मोहब्बत है आपको? मोहब्बत तो है भाई, पहले से, कब से भाई, मतलब बाबा रेलवे में है हमारे, तो बाबा पहले घुमाने लाते थे, इसके बाद अपन बड़े हो गए तो अपन शुरू हो गए। एक वाहिद जबरदस्त बात बोलूं रेहान भाई? जी भाई। शायद को तकलीफ हो जाएंगी मैं बोला तो फिर। अरे नहीं 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 होती, बोलो भाई। वरंगल डेरीज में एक वाहिद आप एक शख्सियत है, जब आप चलता तो एक इलाका दिखता आपके साथ चल रहा भाई। भाई भाई शुक्रिया भाई, आप बोले बस, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, फिर को बहुत लोग बोले भाई ये, मतलब मैं आया तो मतलब पावर दिखता, एनर्जी दिखती, बोले बोले, लेकिन मैं बोलता हूँ सोबर है तो है एनर्जी, अगर मैं अकेला करा तो कुछ भी नहीं है, अगर सब में मैं अकेला आ गया तो दिखती एनर्जी, मेरे को खुद को भी दिखती, मतलब पैसा, अरे गाँव आ रहे ऐसा बात कर दो ना, तो ऐसी मतलब एकदम अपन ना बचपने में जो चबूतरे में बैठ के बात कर लेते वो वाइब देते, वो वाइब देते हम, बोल के मतलब मिलनसार है आप एकदम। हाँ मतलब आ गया तो अरे भाई ने आया रे बोले सटीक जाता। सही है, जो आपके अरमाना है, जो दिली ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला 2024 में और देंगे इंशाल्लाह भाई, आप दुआ करो भाई। आपकी असल गोल क्या है भाई? मेरे को मॉडल बनना था भाई, मेरे को कभी भी एक्टिंग में घुसना नहीं था, फ्रैंक बोल रहा हूँ मैं, वो किस्मत से क्या है कि गए वीडियोस बनाए, नाम कमा लिया उसमें, आज भी मेरे को मतलब एक बड़े पैमाने पर मॉडलिस्ट बनना बोल के है। अब मैं हैदराबाद में कर नहीं सकता, मैं मॉडलिंग का ही बोलता हूँ, मैं जो भी शो में गया या तो मैं चीफ गेस्ट के साथ गया, या तो मैं वीआईपी के साथ गया, या तो मैं जज के साथ गया, तो मेरे को रैंप अप करने का मौका मिला नहीं और मैं कर भी नहीं सकता यहाँ पे, तो अगर मैं अगर बड़ा कुछ भी ट्राई करना है तो या तो मैं मुंबई जाना, नहीं तो या तो मैं इंस्टाग्राम से मतलब जो करता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, फोटो सुधरता हूँ, उससे होना। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा भाई, मुंबई खुद आपके पास आएगा इंशाल्लाह, बहुत बड़ा है साथ दो भाई। क्योंकि एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ मैं कि मतलब मेरी जहाँ तक सोच नहीं थी वहां तक पहुंचा अल्लाह ताला मेरे को, सलमान खान सोच भी नहीं सकते, फोटोज में देख के अल्लाह ताला उसके पास पहुंचा दिया। आज बोला भी, आते खुद कार में ही बोला, रुहान भाई वो लॉकडाउन में गाना गए थे, वो गाना है ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई,
क्या बोलते वक्त सलमान भाई भी एकदम बहुत एकदम डाउन टू अर्थ बंदा है भाई, बहुत जबरदस्त। मेरे को मिलना है, आप मिल लिए नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह, हैदराबाद के आप ही रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वरंगल डेयरीज के भी आप ही रहेंगे इंशाल्लाह। भाई आप रेहान भाई, वरंगल डेयरीज कैसा शुरू हुई, आप लोग कैसा मिले, जो टीम थी आप हाँ। थे नबील भाई है, शर्जील भाई है और अजहर भाई थे, अली भाई थे, सब थे आप लोग, रेहान अली जो नाम है। मेरे को तो भाई पहले तो भैया शुरू करते चैनल, वो लोग फोन में वीडियो बनाए थे शायद, फर्स्ट वीडियो भैया शुरू करते, नबील भी नहीं था उसमें। उसके बाद नबील ले लिया, लेने के बाद अजहर उन लोग आए, अजहर मेरे मतलब कॉलेज में पढ़ता था, तो चल रहे भाई एक दिन शूट पे जाएंगे बोल के लेके गया, मैं एक्टिंग करा, इसके बाद से खत्म, हम लोग पूरे मतलब मिलके बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद में 80,000 सब्सक्राइबर्स हुए, फिर नबील उन लोगों के बीच में क्या ना इत्तेफाकी हुई मेरे मालूम नहीं भाई, मैं बैंगलोर में था जी, बैंगलोर में था, फिर ऐसी हो गई लड़ाई बड़ी हो गई बोल के बोले, फिर वो लोग भी माशाल्लाह जबरदस्त एक्टर आए, बिल्कुल है भाई, अजहर की भी नेचुरल एक्टिंग रहती है। और मैं कभी भी पूछा नहीं भाई तुमने मतलब क्या उसमें लड़ लिए, कहीं बोल दो भाई, ये साइड भी दोस्त है, ये साइड भी दोस्त है, बीच में मैं सबका दोस्त हूँ, मैं कहीं को दुश्मन बनूंगा किसका, आप मिलते हैं सबसे, मिलता हूँ मेरी लड़ाई नहीं हुई ना रोहन भाई से, मेरी थोड़ी लड़ाई, सही है भाई, बस अपनी मोहब्बत अपन रखती है बस उनके पास भाई, अल्लाह ताला किससे कब काम लगाता नहीं बोल सकते भाई, इसलिए सबसे अच्छा रहना। टेंथ कहाँ पे हुआ मेरा, सेंट गैब्रियल्स होली स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल था हमारा वरंगल डेयरीज में, वरंगल में सबसे बड़ा स्कूल था, अब डीपीएस हुए बड़े बड़े आ गए, लेकिन सबसे बड़ा वही स्कूल था, वहाँ पे पढ़ा इंटर एसआर में पढ़ा, बीटेक बीटेक विट्स कॉलेज बोल के अभी नूतना बोल के उसमें, उसके बाद फिर यहाँ पे अब भी शुआ भाई परसों महालाल में हुआ बीटेक, अब पूरी यूनिवर्सिटी आपके पीछे आ गई, नहीं जा रहा मैं कभी भी नहीं गया भाई, एक झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, एक एग्जाम को गया मेरा भाई, मेरा दोस्त जो है जायद, उन्हें मेरे पीछे उसका रोल नंबर पीछे, तो फर्स्ट जब एग्जाम को गया मैं कोसा एग्जाम में, मेरे सब्जेक्टों में भी आवा नहीं मालूम भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गए हम लोग एग्जाम को, अम्मी बोल रहे थे जा एक एग्जाम को जा बोल के, तो मैं नाम लिखा, जो टीचर थे हमारे बहुत बड़े फैन थे, उनकी बेटी मेरी बहुत बड़ी फैन थी, बाजू बैठ के उन्होंने फोटो ले रहे थे मेरे, फोटो ले रहे थे, मेरे को पूछे एग्जाम आता है या पूछे, तो नहीं मैम मेरे को तो सब्जेक्ट का नाम भी नहीं मालूम है बोल के बोलूँ, बाजू वाले कहीं से देख के लिखो बोले, मैं पूरा पूरा लिखा, मेरे दोस्त का भी पेपर लिख के दिया, उसका भी लिया लिख के दिया, एक एग्जाम हुए हम ना, वो एग्जाम में पास भी हुए, निकल गया निकल गया, सही है अब वो कैसा निकला मेरे को पूछो, नहीं आप बोलिए ना पेपर दे दिए थे आपको साइड से, वो एक एग्जाम लिखा रहा, इसके बाद में मैं कर लिया, निकालना था बीटेक निकाल लिया, मतलब वो कॉलेज में नहीं मालूम था कि आप यहाँ पढ़ते हो, नहीं मालूम था, मैं जादू नहीं था, मैं एक बार गया और ना एक हार्डली कॉलेज को तो एक बार फीस भरने गए, तीन बार गया शायद बस होता है, वो भी कार में जाना खत्म आ जाना, पूरे आप लोग वरंगल में कोने कोने में अपना फेमस है भाई, हाँ भाई भैया अल्लाह का शुक्र है, हाँ मतलब कैसा रहता है वहाँ का माहौल आपके, आप जब निकलते बाहर जब पब्लिक देखती है आपको, घर में हम ना निकलते नहीं भाई, झूठ नहीं बोलो, मैं अगर सुबह सुबह उठे फजर में उठा तो घर के पास ही मस्जिद है, नमाज पढ़ते वहीं से, अरे घर के पास काम है तो वही गलियों में काम है, वहीं से हर चीज वहाँ काम कर लेते, कर लेने के बाद वही नमाज 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 चलती, फिर 5:30 मगरिब की नमाज 6 बजे है, 6 बजे पढ़ लेके जिम को जाते, जिम तक रात ही छुआती 7 बजे जाते, जिम में 9 बजे जाते, 9 बजे के बाद हम लोग 4-5 दोस्त मिल के चाय वाय पी लेके फिर वापस घर को, दूसरा काम ही नहीं, दूसरा कुछ भी निकले तो हैदराबाद कुछ निकलना यहीं से काम, वहां पे ज्यादा काम नहीं, अगर शूट को जाना है तो 12 बजे ऐसा गए सीधा वहां पे शूट, रात तक चलते फिर 12 बजे तक, 12 बजे फिर घर को, आप व्लॉग्स भी बनाते थे, हाँ बना भी रोक दिया आप, नहीं बीच में मेरे को इंजरी हो गई थी ना भाई, ये पैर की इंजरी हो गई थी बहुत खतरनाक हुई थी, अरे वो भी देखा था भाई मैं आपका, मतलब आपके वीडियोस में हाइलाइट्स में आते जी, आप मतलब आपको व्हीलचेयर पे ले लेके जा रहे थे, वो क्या था भाई मसला, व्हीलचेयर का अपेंडिक्स हो गया था, फूट गया था अंदर, अरे और जहर फैल गया था, बाहर का ज्यादा खाते थे क्या, बाहर का बोल दो मतलब बॉडी बिल्डिंग चल रही थी रोहन भाई, जब मेरे को नहीं मालूम, मतलब एप्स निकले हुए थे, 6 के 6 टुकड़े निकले हुए थे, मैं एप्स का दर्द होगा समझ रहा था, एक दिन पहले भी मेरे को थोड़ा ही दर्द हुआ, फिर नेक्स्ट दिन मैं वरंगल की शूट पे था, ज्यादा दर्द होना शुरू हुआ तो जाके डॉक्टर को बताया था अंदर फूट गया बोल के बोला, जहर फैल गया, कल तक ऑपरेशन करना नहीं तो 4 साल नहीं है बोल के बोलते, अंदर पूरा फैल गया था, जब का जब फौरन लेके गए अंदर, रात के 12 बजे बोलो मैं, अम्मी लोगों को भी नहीं बोला मैं, मतलब ऐसा हुआ बोल के, फिर मालूम होती पूरे घर वाले भाग के आए,
फाट दिए, यहाँ पे एक बड़ा पाइप लगा उसमें से जहर निकालने, बहुत तकलीफ थी भाई, 12-14 किलो उतर गया हम। इसके बाद में अब फिर गेन करो, माशाल्लाह अल्लाह ताला जब लेता तो डबल देता भाई, सही है वो तो। और अब तो माशाल्लाह भाई डोले शोले एकदम भाई, हैदराबाद से सलमान खान आ रहे हैं भाई, अब आप बनाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। अपर कंपटीशन तो नहीं, मोहब्बत में आपके उतने तो नहीं बना सकता मैं, क्यों बोले तो आप तो मतलब इसको अलग टाइम देते आप। हाँ और मैं ऐसा टाइम ही नहीं है जिस दिन मैं जिम नहीं करता, मालूम है हर दिन जिम करता हूँ भाई, हर दिन कुछ भी हो जाओ सुबह या दोपहर कोसा भी टाइम मिलो मेरे को जाना है जिम तो जाता हूँ पक्का, कुछ भी हो जाओ भाई जिम तो जाता हूँ मैं। एक बोलता हूँ मतलब इनकम्प्लीट दिखता जिम, जिम के बगैर दिन बेकार दिखता मेरे को, मतलब क्या करे रे भाई कुछ भी नहीं करे बोल सकता ऐसा। वो मतलब जैसे कि रूटीन, एक दिन में आपको एक अम्मी दिख जाना, हाँ, जिम दिख जाना, बस अम्मी दिख जाना भाई, सुबह उठे तो बोले वो रूम में लालो जरा कर गया भाई, कर गया वर्कआउट कर गया, अब भी कर गया एलेक्स मार गया, नहीं बोले आप कॉल पे मैं कर लेके आ रहा हूं वीडियो में तो बेहतरीन दिख रहे आप। शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई, नजर आपके चेहरे से ज्यादा डोले शोलों पे जा रही है, ले लो भाई ले लो भाई, सिरप कॉफी कर लेना बना सकते हो भाई आप, शुरू करिए बोलो बराबर, मतलब ये बॉडी नेचुरल है भाई, नहीं कुछ लेते आप। देखो रोहन भाई जो कोई भी नेचुरल बॉडी बनाता हूं बोलता उन पहले तो झूठ बोलता भाई, वो बहुत कम लोग रहते देसी लोग रहते जिसकी बॉडी नेचुरल बनती, कई बोल तो हम लोग दिन में नहीं, हमारा जो ऑक्सीजन है बाहर का वो खुद ही गलीज है गंदा है, अब जो अपन ले रहे बाहर अच्छा ऑक्सीजन ही नहीं है तुम्हारे को, पूरा पोल्यूशन है भरे हुआ, तो तुम जो खा रहे उससे नहीं तुम्हारी, अब जो मतलब अब चिकन ले लो तुम, चिकन में कितने की बीमारियां निकल रहे, तो उससे तुम नेचुरल तो बना नहीं सकते बॉडी, तो तुम्हारे को प्रोटीन डालना पड़ता, तुम्हारे को स्टेरॉइड्स डालना पड़ता, तुम्हारे को सांप डालना पड़ता, तुम्हारे को बहुत चीज डालना पड़ता, तुम्हारे बॉडी पर डिपेंड करता कि तुम्हें कैसी बॉडी बनाना है, तुम्हें मॉडल फिजिक बनाना है, नहीं तुम्हें बल्क हैवी बनाना है, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग में जाना है ऐसा, तो हर कोई हर चीज लेता बोलता नहीं, बस सही है सही है खुली बात, आप भी ले लेते हैं। सो मेरे को सप्लीमेंट्स फिटनेस बूस्टर बूस्टर बोल के कंपनी मतलब ब्रांड है उन लोगों का, और लोग मेरे को मंथली स्टॉक भेजते, मैं जो भी बोला वो भेजते, और लोग अलग पेमेंट भी है, उन लोग मंथली पेमेंट भी करते मेरे को, तो हर चीज फ्री है। अभी फ्यूचर में जिम डालने वाले भाई आप? भाई मैं देखेंगे रोहन भाई, अब फ्यूचर का अलग है, मतलब मेरे को अब यहाँ से मुंबई निकल जाना बोल के 6 महीने के बाद, बॉडी वॉडी बना के यहाँ पे तो नाम कमा लिया, अब आगे निकल जाएंगे। ये मतलब हैदराबाद में वो स्कोप नहीं है भाई? स्कोप मतलब है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो कास्टिंग एजेंसीज जो है, अब मैं जितना मालूम करा आज मेरे दोस्त से, मैं आपको आपकी स्टूडियो बता रही, उन्हें भी उसमें छे कास्टिंग के उसमें छे, तो उन्हें खुद ही मेरे को जितने भी नामा मैं बोलता हूँ वो पूरे फेक है झूठे है बोल के बोलता, तो अपन लोगों के भरोसे पे कुछ भी कर नहीं सकते। अब अमेजोन को रीच करना है तो मेरे को आलम क्या बोल रहा साजिद भाई, अमेजोन को रीच करते बोल रहे तुम, अमेजोन वाले तुम्हारे खाली मतलब एक शूट के 1500 रुपए थे, तुम्हारी वैल्यूज हजारों में लाखों में है, तो तुम वो कहीं गुरु अप्रोच करते बोल तो क्या करना भाई, फिर पूछू नहीं भाई हैदराबाद में स्कोप नहीं है, बनाएंगे अपन बनाएंगे ना भाई, बेशक बेशक भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, जो आप अपन जो सोचते ना भाई, जिसमें अपने को पैशन है अल्लाह ताला देता देता, चाहे वो लेट देता पर लेटेस्ट देता। वरना मैं देखो जब जिम शुरू कराने में 40 किलो का था हम हार्डली, अरे भाई मैं आपके पूछता मैं बोल रहा ना मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो है सामने हूँ मैं, मतलब थोड़े ने रहते थे फेमस पर्सनालिटी, हाँ तो मतलब जिसके वीडियोस देखते ए मैंने देखा उसको नहीं पहचान, तो मैं बोलते मैं हालांकि मैं आपके वीडियोस पोस्टा बहुत पहले से देखा हुआ हूँ मैं, अब हाफ टी शर्टों पे ट्राइसेप का मार रहे, वो टाइम पे जब बॉडी नहीं थी कट्स वर्ट्स शौक थे आपको, सो बता देते थे आप, जब से बहुत शौक भाई जिम का, बहुत शौक था मेरे को एब्स बनाने का, बहुत शौक था, लास्ट ईयर बनाया मैं, अपेंडिक्स हो गया था, फिर बनाता हूँ इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं भाई जब आपको मतलब सेहत खराब है आती, मतलब बहुत रिग्रेट होते शायद, रिग्रेट मतलब पलंग पर आना भाई, क्या कर सकते दूसरा कुछ भी, बॉडी उधर गए तो मेरा बहुत सीरियस था अपेंडिक्स का जो मसला हुआ मेरे को, रात में ऑपरेशन करके लाने बाद सांस नहीं आ रही थी, तो मेरे को छाती पे मार रहे थे, मारने के बाद सुबह उठने के बाद आईसीयू में पूरे पाइपा लगे हुए, मैं खुद परेशान हूँ अपेंडिक्स आने में सर्जरी हुई क्या ऊपर नार बोल के, पूरे यहाँ से वहां तक पाइपा लगा दिए, क्या के लगा दिए थे लोग, फिर 3 दिन आईसीयू में रखे, यहाँ पे पाइप लगाए भाई, अल्लाह नहीं करना किसको भी वो आना, इतनी तकलीफ होती ना रोहन भाई, यहाँ पे वो जर्रा भी हल गया ना पाइप, अंदर चिपक के रहता हो पाइप, रोतो ना मैं फुल, अब इतने बड़ा तब ऐसी बॉडी रख ली है रोना भी बोलते हो, खुद से चले आते थे आंसू, अब अम्मी सामने ठहरे हुए तो खुद से चले आते थे आंसू, बहुत तकलीफ होती भाई, अम्मी बहुत तकलीफ देखे होंगे वो कमेंट में आपको, क्यों बोला अम्मी देखे भाई, हर चीज में सपोर्ट भी अम्मी करे बचपन, मतलब
छोटा वोटा घर है, कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे। एक अम्मी और एक भाई दोस्त जो है, अब सही बोलना बोल तो भाई जिम को बनने भी, मतलब मैं बाबा के पास पैसे पूछ तो नहीं था, कभी भी पूछा नहीं बाबा मेरे इतने पैसे होना इतने होना, अम्मी से पूछ होता तो अम्मी तो कमाते नहीं। तो एक दोस्त था भाई जैद भूल गए, अभी भी है दोस्त, उन्हें देखा मैं हर चीज से, जिम की फीस से लेके जिम के प्रोटीन हर चीज से देखा मैं, बॉडी बनाया फर्स्ट टाइम भाई से दिया मेरे को हर चीज। इसके बाद में जिस दिन बनाया उसके बाद से मेरे को अब तक हर चीज फ्री हो गई भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी जिम में कर सकता हूँ मैं, कोई भी चीज ले सकता हूँ, हर चीज फ्री है। वो बोलते हैं ना रेहान भाई के, मतलब आप जो बात कर रहे हैं तो वो मोहब्बत इस लोगों को सामने से कोई ना कोई सोना भी दे देता भाई आपको फ्री में। भाई शुक्रिया भाई। और ये क्या बोलते हैं जो आप जिम में यूज करते हैं जिम के लिए, उससे वो तो कुछ भी नहीं है। शुक्रिया भाई। इंशाल्लाह अगर मैं भी, अगर अल्लाह ताला वो मुकाम बना दिया तो मैं भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तोहफा करूंगा आपको इंशाल्लाह। मैं तो पहले ले लूंगा बस, अल्लाह ताला अपन के दोनों के बीच में मोहब्बत बरकरार रखे। आमीन भाई, रखता भाई बिल्कुल। देखो भाई आप अच्छे मिजाज के इंसान है, मैं भी अच्छा हूँ, तो बरोबर रहती है हमारी बॉन्डिंग। हमारे में तकब्बुर बोलते तो चीज नहीं है, ना तुम्हारे में ना मेरे में, तो अल्लाह ताला ऊपर भी ले जाएंगे और साथ रखेंगे इंशाल्लाह। रेहान भाई मतलब एक हाईलाइट क्वेश्चन है, मैं आपको ऑफलाइन में भी एक नहीं छेड़ा मैं, क्योंकि मेरे को ऑन कैमरा में पूछना है बोल के, इसलिए देख के पूछो। हाँ जी भाई बोलिए। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी रोशनी बोल के, जी आपकी भी थी रोशनी बोल के, तो वो चीज में हालांकि मेरी इसमें गलती भी है कि सुना इस भाई रिकॉर्डिंग। हाँ तो इसमें क्या हुआ था तो मैं पब्लिक में भी क्लियर कर लिए, क्योंकि वो ना इत्तेफाक की भी बढ़ती उस चीज से, वो टाइम पे मेरे को एक स्टेटस भी डाले थे आप मेरे खिलाफ बोल के, तो मेरे को कोई भेजे थे वो कि भाई ये आपके ऊपर ही दिख रहा भाई, आपके ऊपर ही बोल रहे, तो जान दो भाई वो चीज में मेरी गलती भी है, लाइट है जान दो बोल के बोला। तो वो आखिर में वो गलत ही बोला था मैं आपके बारे में जो बोला था, आप लाइन पे थे बोल के तो मालूम, वो मेरे को किस वो क्या बोलते भाई वो बच्ची जो क्या बोलते जो बोलने का हरकत भी था मेरी जलाने भी कर रही, कर रही थी, मैं सुन रहा था, मैं रिकॉर्ड और मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था भाई, शादा बोल के मेरा दोस्त है, मेरा खास दोस्त है, मम्मी बुलाता हूँ उसको, जी 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 खास मतलब मजाक ही होने फुल, जी जी जी। तो मैं बात कर रहा था तो लाउडस्पीकर डाल के बात कर रहा था और चाय पी रहा था मैं, वो टाइम पे नमाज पढ़ के जुम्मे की नमाज थी शायद पी रहा था, तो इन्हें बाजू से इसका फोन लगा रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्डिंग करके उन्हें वो रिकॉर्डिंग मेरे साथ साथ भाई को इन लोगों को उन लोगों को भेजा, देख रेहान को ऐसा बोल रहे, रेहान को ऐसा बोल रहे, तो मैं बोलो अरे जानते रहे भाई बोले क्या होगा मैं को, मैं जब वो स्टोरी देखा था ना रेहान भाई आप जो लगाए थे मेरे ऊपर, तो मैं जब ही सोच लिया जिस दिन मेरी मुलाकात होती मैं वाकई में सामने से माफी मांग लेता बंदे से, क्यों बोले तो मैं माफी मांगने में पीछे नहीं हटता भाई, अल्लाह ताला तो इज्जत घटाता नहीं और अपनी मोहब्बत और अच्छी रहती। आपको कैसा लगा जब मैं सामने से पूछ लिया? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखो माफ करने वाला अल्लाह है भाई, बेशक भाई। मतलब मेरी गलती भी है यहां पे, वाकई में मैं आपको ऑन स्क्रीन पे माफी मांग रहा हूं चीज के लिए, क्योंकि मैं को दिल में था भाई, मैं जो भी हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पूछा ऑफ स्क्रीन में भाई, मैं जो भी हूँ सामने पूछ लेता हूँ, अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं सामने से माफी मांग लेता हूँ। और वो चीज कैसा था मालूम भाई, मेरे को होना बल्कि मैंने कर रही थी भाई, मैं कर रही थी कि भाई चुप 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 रेहान बका रेहान बका रेहान कर रही थी, कर रही थी तेरी मां का जाके अल्लाह माफ करे वो चीजों, मैं जब म्यूजिक फील्ड में था बहुत खतरनाक खतरनाक कामों में चल लिया था मैं, बस अल्लाह बचा लिया आपने को वो चीजों से हटा दिया वहां से। मैं भी बहुत बच्चों से बात करता था मैं, जब मतलब इन्हें भी करती थी फोन कभी तो बात करता था मैं, तो एक बार फोन करके उन्हें मतलब ऐसा बोली तो अच्छा ठीक है सुन, तो सुना बोल के बोलो कमेंट में, अरे ला क्या अरे उसे बच्ची के बारे में मार मार बच्ची देख अगर देख ली ना ये उन्हें दीवानी हो गया अरे ला मेरे अभी भी बात करती थी। अरे रे रे भाई मुबारक भाई भाई लिंक भेजो आप मुसा ये वाली नहीं व्हाट्सएप पे डाल दो देख लीजिए पक्का देख लेती ना आप एक्सपेक्ट तो नहीं करे होंगे मैं पूछ से बोल के मैं भूल गया रहा भाई भाई मेरे को याद रहता हूँ क्योंकि जब मेरे को एक बच्चा भेजा था ये आपकी स्टोरी तो मैं देख लिया स्टोरी आपकी, देखा था कि नहीं देखा था कि नहीं मालूम, नहीं देखा मेरे अकाउंट से नहीं देखा, एक बच्चा मेरे बाजू था वो बच्चे को अरे ये रेहान वकार रुहान अरशद भाई के बारे में बोल रहा बोल के बोल कैसा बोले तो देखा मैं देखिए मैं जो मेरे साथ में थे को बोल लिया मैं बोला था मैं बोल के बोला था मैं, वाकई में किसी को भी तकलीफ होती भाई अगर
जब अपनी मुलाकात में भी एक नॉन पर्सनालिटी बनने के बाद वो बोलना भी गलत है जो मैं बोला, और जब सामने वाली जब सर फिरा रही थी ऐसा नहीं था रेहान भाई, मैं क्लैरिफाई भी कर देता हूँ आपके सामने कि एक बार नहीं हुआ था वो, फोन पे पहली बार नहीं हुआ था, बार बार जब मुलाकात होती थी जब भी, अच्छा जब भी बोलती थी, जब आपके खिलाफ बोलती थी, जब फोन पे, जब वो वाकई में पहले आपके खिलाफ बहुत बोली थी मेरे को, उसके बाद जो कॉल पे था वो बहुत बड़ा नाटक था, वो बाद में मालूम, जो आपकी स्टोरी देखने के बाद मालूम, अच्छा अच्छा मैडम पानी पिला दिए मेरे को, समझ में आपको बात समझ में आई मेरे को। इन लोगों मेरे दोस्त नहीं होता भाई, मतलब इन लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके एक बार मिलना है बोलने वाले, मैं मिला भी नहीं मानू, एक बार मिला खाली, एक बार भी मिला कि नहीं कि हाँ मिला, एक बार मिला वो भी फोटो लेकर चले गया, अल्लाह छप्पर मार के दिया भाई सब। बेशक भाई, मैं बोला था कि आप जब चलते तो इलाका चलता है भाई, भाई ये डायलॉग अशरफ भाई भी चले तो इलाका चला था पर नहीं, उनके साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट चलेंगे भाई गुलबर्ग अम्मा भाई गुलबर्ग का कहते भाई आप तो पब्लिक बोरान हो रही होंगी, अरे इतना नेचुरल कैसा कर रहे हो भाई, लव भाई पूरा नेचुरल है भाई, कुछ भी नहीं भाई, वल्ले ही बोल रहा हूँ, आया आते ही कैमरे डाले, मैं एक भी सवाल मतलब रोहन भाई बहुत पूछे नहीं मेरे को, डायरेक्ट कैमरा ऑन करते कि जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे रहा हूँ, इतना भी स्क्रिप्टेड नहीं है वल्ले ही। जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस रहते थे ना भाई, मैं थोड़ा ब्लग करूं, अच्छा तो वो थोड़े चीजा भूल जाते रहे, तो जो पूछने है तो मैं वो थोड़े फोन में टाइप करके रख के पूछ लेता हूं। आज जो सुबह में इंटरव्यू दिया मैं, उन्होंने तो पूरा लिख लेके थे, पूरे पॉइंट आ देख के पूछ रहे थे सीधा, मतलब जी भाई जब अपन एक ही उसके वही फील के तो जरूरत ही नहीं, अपने को मालूम रहता बोलो नहीं नहीं, हालांकि हम देखे हुए थे आपके पोस्ट, आप भी देखे हुए होंगे, मेरे को थोड़ा बहुत गरीब बच्चे को भाई आप गाना बहुत सुने भाई, क्या हिम्मत खबर जी 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 बहुत सुने, गार में लगा के नाचते थे, भूल गए मेरे तरफ के लोग पूछेंगे अरे क्या था मामा वो मसला जो रोहन रेहान पूछेंगे हमारे ट्रॉल पे जा वाले तो एक हिलना दोनों चिचोरे बोल के डाल कुछ भी डालने दो वास्ता नहीं है, फर्क भी ना पड़ता अपन लोग भाई, देखो अब हमारे इतने फॉलोअर है, इतने चाहने वाले है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नवाजा, तो ये ट्रॉल पे जाने मतलब छोटे है भाई, उन लोग पहले तो मेरे को नेगेटिव कमेंट आए तो मैं देखता हूँ भाई, इन लोग तो नॉट काउंट बोलते मैं फेल फालतू इन लोगों को काम नहीं रहते, इन लोग पेज बना लेते बना लेके इसको करना, इसकी अम्मा को गाली देना, जब इन लोग अम्मा को गाली देते अम्मा की गाली डालते तो इन लोग रहमानो पलट के उन लोगों की अम्मा को लगती बोल के बेशक बेशक भाई, किसको दिया भाई हक अम्मा को गाली देने का बोलो, कोई भी नहीं दिया आपको, तो अपनी जिंदगी अपनी आखिरत हमला देख रहे, तुम्हारी जिंदगी तुम देखो खत्म, सही है सही है, आपको बहुत ट्रोल करते बहुत करते भाई, भाई जानो ना भाई वो तो है वाकई में भाई वो तो है, वो उन लोगों को ट्रोल करते रहे हान भाई जो मार्केट में चलता है। और भाई परसों में ग्रिल डाला मैं, कल ने परसों की बात बोल रहा हूँ, एक चार महीने पहले रामागुंडम से भाई, रामागुंडम परसों में ओपनिंग को गया था, उन लोग रामागुंडम बहुत दूर है भाई, मुझे ओपनिंग को गया जब देखा मैं, करीब नगर से 50 किलोमीटर है दूर, वहां से बच्चे नहीं दो तीन गाड़ियों में आए, उन लोग 20 जने कुछ थे भाई, तो मैं स्टोरी डालू तो उस पर नहीं वो परमेश्वर का गाना देखो चक्कर बोल के वो डाले, तो एक बच्चा नहीं 10-15 लोग आया उसमें चक्कर क्या डाल लिया बोल के, तो वो दिन स्क्रीनशॉट ले लियो मैं, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया उसको, परसों दिया भाई रिप्लाई, भाई जान हो रहे मैं तेरा बोल के तुम देखो रील, मैं जो आप रमजान के महीने में पीपी पोर्टेबल के जो वीडियोस बनाते थे वो बहुत वायरल हो गए, तहरी के बाद ये तहरी देखना रहता था भाई, अगर मैं नहीं डालता था तो मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे भाई सब लोग, सही है इसलिए डालता था, इतने खतरनाक कमेंट्स रहते थे भाई, अरे अरे कमेंट्स को जो आप रिप्लाई दे भाई वो देना भी बहुत बड़ी घट्स की बात है, मैं सीरियस मतलब देखो भाई थोड़ी देर तक बर्दाश्त होता भाई, मैं बोला ना आपको अभी भी माँ पे है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, तो कोई भी होगा भाई, सही है करना भी नहीं भाई, तो कोई भी हक नहीं दिया कि तू किसी की माँ को गाली देना, मैं भी गुस्से में आया तो मैं अगर गाली दिया माँ की गाली दिया तो पहले फौरन माफी मांगता हूँ, गलती हो गई भाई नहीं देना बोलता हूँ, बाकी के दूसरे दे ले रहे भाई तो मेरे को दे ले बोलता हूँ, सही है सही है, वो भी मतलब इला कई को कर दे लोगा, मकसद क्या है लोगा, इनके माँ बाप परवरिश कम करेगी या फिर उन लोगों को जाहिलत का इनाम दे दिए वो नहीं मालूम, पर भाई रीजंस बोलूं मैं, या तो इनकी गर्लफ्रेंड हमारी फैन रहती, मैं बोल तो सुनो भाई छूट नहीं बोल रहा भाई, या तो इनकी गर्लफ्रेंड हमारी फैन रहती या तो इनकी बहन रहती, सही बोल रहा हूँ, या तो इन लोग खास खलेरे बहनों में या कोई भी हमारी फैन रहती, तो इन लोग हमारा नाम सुनते वहां पे सुन के
इन्हें इसकी फैन है, इसकी बॉडी वॉडी पसंद करती, अब मैं फेक आईडी बनाना, गालियां देना बोले खुशी को दे लेता, उन नीचे भी गालियां खाता, हमारे भी चाहने वाले ना भाई, अम्मा बहन कर देते उन वहां इसको बना रहे बोल के, मैं पटाने को देख रहे ने रिहान रिहान बोल रही है नहीं भाई हमारे भी चाहने वाले ना, रोहन भाई कितने ही लोग हैं भाई, कितने ही बच्चे, देखो हेटरों की बात नहीं कर रहा हूं, कितने ही बच्चे जो सपोर्ट करते नीचे लड़ते, मैं कभी तो कमेंट ना पढ़ता हूँ, मैं नहीं कमेंट कर सकता, कितने ही बच्चे किसको बोल रहा है भाई, परसों के वीडियो भरे तेरे घर से उठा लेते रहे, एक बच्चा भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, एक बच्चा एक कमेंट करा तो शोएब बल के बच्चा है शायद बुरा बंडे का है रहमान, इन्हें मैसेज करके भाई इन्हें कहा कमेंट करा आपके बारे में, बोल तो कह रहा था मालूम करो, तो भाई कसम से बोल रहा हूँ 10 मिनट में उन्हें रुका के भैरी मार के वीडियो भेजा भाई, भैरी मारा हो कोटे को मारे, तो ऐसे चाहने वाले भी है भाई। अरे अरे माशाल्लाह, ये सेम है भाई, हैदराबाद मैच है भाई ये, मीमर्स के पूरे, अपन ये भी बोल सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हैदराबाद के जितने मीम्स पे जाए ना नहीं है, किधर भी नहीं है, क्योंकि साबित कर दिए बेगारामपुरे यहीं से रहते बोल के, बेगारामपुरे यहीं से थे, लेकिन भाई हैदराबाद में चाहने वाले भी बहुत है भाई, मतलब जो चाहता नहीं उन जी जान से चाहता, अब जो नफरत करता मैं आपको रीजन बोला अभी, तब वो उसके वास्ते उन्हें हेट करता, उन ट्रॉल पेज बनाता नहीं तो नीचे नेगेटिव कमेंट मारता, तो एक फेक आईडी बनाता औरत बच्ची की, उससे अच्छा है हिजड़ा बन जा रहे भाई, खत्म बात फेक आईडी बनाना क्या भाई, और थोड़ी ये सही है भाई, वो वही उनके सगी बहन का नाम नहीं तो फुफेरी बहन का नाम लगा देते थे, अब दूसरी तो याद नहीं आती ना, वही नाम लगा देता, अरे मामू की बेटी का नाम लगा देंगे रे बोल के, मैं बहुत फेस करा रोहन भाई ये सब चीजा, मतलब ट्रॉल पे जा तो बहुत फेस करा मैं इसके बाद लाइट लेना शुरू कर दिया, मैं सलमान खान के बहुत इंटरव्यू में देखता हूँ, बोलता छोटे मोटे ट्रॉल पे जा मेरा क्या उखाड़ सकते बोल के, उसे वो दिमाग पे ले लिया मैं, क्या उखाड़ सकते हमारा भाई, उल्ला तो सामने आने से आके बोल भी नहीं सकते भाई, ये टाइम पे मैं एक पोस्ट डाला था मैं आपका, नहीं बोल सकते, जानता तो उल्ला की खुशी उल्ला कर लिए खत्म, सही है सही है, थोड़े मीम्स पे जैसा है भाई, मतलब मेरा बॉन्ड, मतलब जो मैं बात करता हूँ तो वो चीज से मेरे से दोस्ती भी करे थे ना प्राइवेट अकाउंट से उन लोगों के, अच्छा तो मैं उन लोगों के फेसेस भी रिवील कर दे सकता हूँ ना एक टाइम पे आने के बाद, एक टाइम पे उन्होंने वोट ऑन करे अपने को लगा मेरे तरफ से एक मर्डर पक्का था भाई, क्या तुम अगर रिवील कर दे तो मेरे तरफ से एक मर्डर पक्का था, तो वही बेचारे उल्ला आप दोस्त बन गए मेरे, मतलब उल्ला छोड़ दिए भी ट्रोलिंग करना, फिर एक मैं एक टाइम पे वो गाने का नाम नहीं बोलता हूँ, मैं गाना बनाया था तो वो गाने को वो टाइम पे 5 लाख व्यूज आए थे एक साल में, अच्छा वो भी एक ट्रॉलर बंदा ट्रॉल करा था इसके बाद में, अब वो पेज का नाम आखिर मजलिस क्या कर रही बोल के, अच्छा तो वो बंदा भयानक ट्रॉल करा था भाई, तो वो टाइम पे चुमा सबर करना शुरू करा, अरे मैं मतलब मैं गाना बनाया इतनी मेहनत से, इतना क्या रहे भाई लोग कमेंट कर रहे गालियां दे रहे मेरे को बोल के, लोगों को नहीं मालूम अपन क्या खर्चा करके बनाए, अपन जॉबलेस थे कुछ भी नहीं था अपने पास, पैसे जमा करके कर लिए, सो है बहुत तकलीफ होती थी भाई, तकलीफ बोले ना तुम, अब देखो बॉडी बनाए, बॉडी पे थोड़े फुंसियां, नॉर्मल इंसान को भी फुंसियां आते भाई, इंसान स्टेरॉइड लिया तो फुंसियां नहीं आते, इंसान ज्यादा चिकन खाए तो फुंसियां आते, इंसान ज्यादा कुछ भी हिट की चीज खाए तो फुंसियां आते, तो अपन इतनी बॉडी बनाने बाद लोग बोलते स्टेरॉइड लेके पीठों में फुंसियां डाली, तू भी ले रहे भाई नहीं है पैसे, पैसे नहीं तो मंग के लो, लेके बना के बताओ बोल तुम्हें भाई, बना बॉडी बनाने में नहीं भाई, मैं बोलो ना घस जाती भाई, इमरान भाई को पूछो, इमरान भाई ये ना बोलते, पूछो इमरान भाई बोलते बॉडी बनाना मजाक नहीं है भाई, अपने जिस्म को अपन एक इंजीनियर है, उन्हें घर बनाना कैसा दिमाग से सोचता कि अपन तो जिस्म है भाई, अल्लाह ताला दिए तो सो कैसा बनाना सोचो, उस पे भी नेगेटिव कमेंट ना करते, मेहनत तो करते नहीं अपने वाले, नेगेटिव कमेंट ना करते खत्म, क्या बोलेंगे बोलने के बारे में बात करना इस पे बेकार है, आइए चलो दूसरी टॉपिक पे, अपन लोग इसलिए आज बात कर रहे कि अपन लोग भी मतलब इतना सोचते भाई कि इतना सेलिब्रिटी है कुछ भी नहीं बोल सकते, इन लोगों को नहीं मालूम कि अपन लोग भी इन लोगों की जैसी जिंदगी जी रहे हैं और आज भी वैसी जिंदगी जी रहे, ना तकब्बुर बताते ना कुछ, बस अपन लोग कुछ भी एक डाल लेते अपनी कामयाबी से चलते, क्यों जलते नहीं मालूम, जैसा अगर उन लोगों को अपने से ज्यादा होना है या फिर अपने जैसा बनना है तो अल्लाह से मांग सकते हैं, हाँ भाई मैं एक कैमरा है ये शॉर्टकट करके रीलों पे जाता नहीं जाता नहीं मालूम, लेकिन मैं बस हमारे हैदराबाद वालों को ये बोल रहा हूँ भाई, चाहने वाले बहुत है, जो भी नफरत करने वाले है अगर उन लोग भी अगर चाहना शुरू कर दिया ना तो हैदराबाद से बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे सलमान खान शाहरुख खान जैसा यहाँ से भी इतने लोग बड़े बनते भाई लोग, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो प्लीज सपोर्ट करो भाई, ये ट्रॉल पे जाओ छोड़ो सपोर्ट करो,
मेरे को हैदराबाद के तुम दानिश जहन दिखते भाई। अरे भाई शुक्रिया भाई, भाई मेरे नजरों में वो बंदा अलग है भाई। मैं बोलो ना देखो, अगर उन्हें अगर नहीं मरता तो ये फैसू ले लो या दूसरे भी टिकटॉकर आओ कोई भी नहीं आते थे भाई। उन्हें एक जेन्यून बंदा था जो मॉडल फिजिक मेंटेन करता था, परफेक्ट फिजिक थी भाई उसकी, मतलब ऐसी भी नहीं थी, परफेक्ट फिजिक और स्टाइल में भी बहुत परफेक्ट था भाई। और मैं देखता था उसको, बहुत अच्छा दिखता था उसको देख के, मतलब उन्हें मेहनत करे तो देखे अपन भी मेहनत करना बोल के आता था मेरे को, बॉडी बनाना बॉडी तो जब थी मेरे को, मगर उन्हें एक परफेक्ट मॉडल फिजिक जिसको बोलते वो मेंटेन करता था। ऐसी नजर से मर गया भाई। हाँ वो तो है भाई, बस उनकी हयात वहां तक थी इसलिए अल्लाह ताला उनको बुला लिया बस। तो रेहान भाई एक वाकया है, जब मैं फेमस नहीं था, एक यूट्यूबर है जिसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, तो उन्होंने एक पोस्ट डाले थे इंस्टाग्राम पे और उन्होंने बहुत फुल टाइम पे लाइमलाइट में भी थे हैदराबाद के इंडस्ट्री में, तो पूरे पब्लिक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले थे, वो पोस्ट पे गालियां दे रही थी उनको। अच्छा, मतलब हेटर्स रहते थे कि अपने को भी बोलते, आपको भी बोलते, पूरों को बोलते, जो बेकार लोग आ रहे थे। तो उसमें से मैं भी वो जाहिल हरकत कर देने वाला था, मैं भी एक जबरदस्त गाली के साथ कमेंट कर देने वाला था। अच्छा, पर उस वक्त रेहान भाई, उस वक्त भी मेरे को खुद पे भरोसा था एक दिन मैं इससे भी ज्यादा फेमस बनता हूँ बोल के, और हालांकि अल्लाह ताला मेरे को हैदराबाद ने पूरे आलम में बनाया। हाँ, बिल्कुल। तो वो खुद पे भरोसा रहना अपने को, क्योंकि मैं बस बता रहा हूँ भाई, तकब्बुर करना नहीं बेकार चीज है भाई, तकब्बुर करने बैठे तो नहीं, हर कोई कर सकता, मतलब हर कोई अपने अपने आप में खूबसूरत है, हर चीज है इंसान के पास। तो एक हदीस है, इज्जत देने वाला है, ज़िल्लत वाला इज्जत देने वाला है, ज़िल्लत भी उन्हें देने वाला है। बेशक। तो कोई तकब्बुर बताया तो इंतजार करो, बहुत बुरा गिरता हूं। अब आप देखेंगे, आप उतना नाम कमा लिए, उससे भी ज्यादा कमा लिए, आपके पास उतनी ज्यादा पब्लिक थी शायद, बस खत्म, बता दिया अल्लाह का शुक्र, एहसान है भाई, वो नियतों पे दारो मदार है बस, खत्म। रेहान भाई जी, भाई आपकी नेटवर्थ क्या है भाई? भाई आप बोलो, मैं आपके हिसाब से मेरी नेटवर्थ क्या है ना? आप वॉल्सवैगन में आए बोले तो माशाल्लाह से करोड़पति बोल सकते हैं आप। नहीं भाई, बाबा बाबा गिफ्ट करे सर भाई, ये क्या है, 10th हो गया मेरा, तो इंटर में मेरे को ड्यूक लेना बोल के था, तो मैं एक ही बैठा हूँ ना, तो अम्मी बहुत डरते भाई मेरे को गाड़ी लाने से, इसलिए मेरे को एक्टिवा ही थी, मानो एक्टिवा भी नहीं देते थे मेरे को, ऑटो में जो बोलते थे कुछ भी हो जाता, बर्दाश्त नहीं करते भाई, मतलब कुछ भी हो गया तो मेरे को अम्मी बहुत चाहते मेरे को। तो बाबा क्या करे, ऐसा नहीं सुनता है नहीं, बोले इंटर में कार दिला दिया, इंटर में कार दिला दिए, जब से अब तक मैं मतलब उन्होंने कुछ भी पूछा भी नहीं भाई इसका, मैं फिर उन्होंने बुलेट दिला दिए, मैं चलाता हूँ भी नहीं ज्यादा, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना गाड़ियों में ना कारों में, किसमें भी नहीं, मेरे को खाली बॉडी बनाना भाई, बस आपके गोल्स, इंसान घोड़ों के रहना बस, गाड़ी का है भाई, ऑटो में गए तो इज्जत है, अल्लाह दिया बस। तो ये छह नेटवर्थ आपकी भाई, नेटवर्थ आप बोले ना भाई, कितना बोले? एक करोड़, मतलब करोड़ों में हो सकती, बोल रहा हूँ आप बोले तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा भाई। रेहान भाई मेरा एक पर्सनल सवाल है आपके साथ जी भाई, कि मतलब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, आप भी एक माशाल्लाह से मेरे से पहले से यूट्यूब पे है आप लोग, मतलब मैं भी यूट्यूब पे था पर आप लोगों की जैसा लाइमलाइट में नहीं था, अंडरग्राउंड में काम चल रहा था, मतलब तरक्की चल रही थी मेरी, जब तरक्की के स्टूडियो पे आ रहा था भाई, माशाल्लाह आप लोग तो नॉन पर्सनालिटीज हो गए थे माशाल्लाह हैदराबाद में, आप लोग के लैंग्वेजेस से बहुत हिट हो गए थे आप लोग यहाँ पे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, रेहान भाई के मतलब आप लोग बहुत टाइम से यूट्यूब पे, 8 साल तकरीबन जी, माशाल्लाह इंशाल्लाह 80 साल तक जाएंगे आपकी डायरी। मैं ये पूछना था रेहान भाई के, आप लोग जो यूट्यूब पे इनकम आती है आप लोग की एडसेंस से, वो अपन मतलब दोस्ती का मामला है भाई, छोड़ दो। अरे भाई बोलिए ना भाई, एक प्याली चाय भी तूफान चाय ठंडी कर दे यार। नहीं रुहान भाई, दोस्ती का मामला है, दोस्ती है समझो भाई, मैं भी दोस्त हूँ भाई, नाराज कर दे रहे हैं आप ऐसा हमारी पब्लिक, आवाम जानना चाह रही ना आप, आवाम मतलब जो है बोल दो भाई, क्लियर कट। भाई देखो भाई, मेरे जो एक्सपेंसेस है मतलब जीने के है, ये तो मैं खुला बोल जा, मेरा एक दोस्त है जाहिर, मैं एक बात बोलूं रेहान भाई आपको, ये चीज में रुका के मैं सुना के लोगों के मुंह से कि रेहान भाई वनचड़ गनचड़ आंसर देते हो, तो मैं भी वनचड़ गनचड़ आंसर जानना चाह रहा हूं। सही बोल रहा हूं मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं सिवाय अल्लाह के, झूठ नहीं बोल रहा हूं माशाल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो बराबर डरता हूं, मैं गलत रहता हूं इसलिए कहीं भी मैं सही काम करता हूं बोलता हूं, इसलिए मैं डरता हूं किसी से भी। और रही बात ये इनकम की, तो मैं आपको पहले ही बोला, मेरा एक दोस्त है जो हर चीज मेरे को मतलब दिलाया करा, सपोर्ट करा मेरे को हर चीज में।